दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से एक अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शहर के हॉटस्पॉट क्षेत्रों का किया निरीक्षण, लोगों से की अपील, घरों में रहें सुरक्षित रहें। कैंट थाना क्षेत्र के बेतियाहता से आबकारी विभाग ने लाखों रुपए मूल्य के ब्रांडेड कंपनियों के स्टिकर व बारकोड के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। गिडा स्थित निर्माणाधीन RTO ऑफिस का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। नवागत SP ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने संभाला कार्यभार, कहा शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाना होगी पहली प्राथमिकता। जनपद के ग्रामीण इलाकों में टिड्डी दल ने उड़ाई किसानों की नींद, खेतों में रहकर किसान फसलों की करे रखवाली। कोतवाली थाना क्षेत्र में अवैध निर्माण को GDA व नगर निगम के संबंधित अधिकारियों ने कराया ध्वस्त। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सहजनवा के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में खाद्यान्न व निःशुल्क पाठ्यक्रम पुस्तक का किया वितरण। जिला चिकित्सालय के OPD और इमरजेंसी पर लगाया गया साउंड सिस्टम, लोगों को कोरोना वायरस के प्रति किया जा रहा है जागरूक। कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर बेतरतीब खड़ी दर्जनों गाड़ियों का यातायात पुलिस व संबंधित चौकी इंचार्ज ने किया चालान। कोरोना काल में अभिनव प्रयोग, ऑनलाइन रामलीला ट्रेनिंग वर्कशॉप वेबिनार ने रचा इतिहास, 9 देशों के 300 प्रशिक्षणार्थी जुड़े। और बाल स्वर सेवा संस्थान एवं बाल स्वर समाचार पत्र के प्रकाशन के 25वें वर्ष में प्रवेश करने पर सदस्यों ने स्थानीय होटल में की बैठक, कहा संस्था व समाचार पत्र लगातार कर रहा है सामाजिक कार्य। शहर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण व हॉटस्पॉट क्षेत्रों का जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. सुनील कुमार गुप्ता द्वारा निरीक्षण किया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान घंटाघर स्थित राजकीय महिला शरणालय आदि हॉटस्पॉट क्षेत्रों का निरीक्षण करने के बाद लोगों से लगातार जिला व पुलिस प्रशासन अपील कर रहा है कि लोग अपने घरों में रहें, लॉकडाउन के नियमों का सख्ती के साथ पालन करें। वहीं किसी भी समस्या की स्थिति में 108 व 112 हेल्पलाइन नंबर पर तत्काल कॉल कर जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा सुविधाएं व मदद मुहैया कराई जाएंगी। इस दौरान SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल, क्षेत्रीय अधिकारी कोतवाली BP सिंह, जॉइंट मजिस्ट्रेट सहित अन्य संबंधित कर्मी मौजूद रहे। आप कोरोना हॉटस्पॉट जगह में है, अनावश्यक बाहर नियम में कार्रवाई की जा सकती है। वो हरिजन बस्ती में है सर जी, उसकी माँ थी, उसकी बेटी है। अनावश्यक मत घूमिए, जाइए घर जल्दी, दौड़ के। ये इलाका हॉटस्पॉट एरिया घोषित कर दिया गया है। आप अनावश्यक भीड़ मत लगाइए, काम के बाद अपने अपने घर जाइए।
कोरोना भयंकर बढ़ रहा है, सतर्क रहिए। यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीज निकला है, अभी भी सही नहीं होगा। 14 दिन के लिए घर से बाहर नहीं निकलना है आपको। हाथ बार बार धो लीजिए, मास्क पहनिए। आपको नहीं पता है कैसे कोरोना इनका आया है, ऐसे ही आपको भी आ सकता है। कोरोना का कोई इलाज नहीं है, आपके इलाके में फैली हुई है। 14 दिन अब घर के अंदर रहेंगे तब बचेंगे आप। किसी सर दुकान भी सील हो गया, करना पड़ेगा। कौन सा क्लोज है सर? बंद। किसी संपर्क में नहीं आए? इतने लोग गए अभी, क्या कल पता चला आपका? यहाँ तो बहुत व्यक्ति, बहुत समय में हम लोग आके चुके हैं। अच्छा ये वाले जुकाम है, कोई भी बीमारी है तो तुरंत 108 एम्बुलेंस में संपर्क करिए, डॉक्टर को दिखा दीजिए। यदि आपके इलाका में बाहर से कोई आया है तो कृपया करके जांच करा ले, हो सकता है आपको भी कोरोना हो। पर किसी भी सूरत में अपने घरों में रहें, मास्क लगाना जरूरी है। बिना मास्क पकड़े जाने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक दूरी बनाए रखिए, मास्क लगाइए, मास्क बिना मास्क मत जाइए। गोरखपुर में आबकारी विभाग ने बृहस्पतिवार को एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो ब्रांडेड शराब की बोतलों के ढक्कन और बारकोड को अपनी फैक्ट्री में बनाकर नकली शराब बाजारों में बेचता था। यह गोरख धंधा पिछले कई महीनों से कैंट थाना क्षेत्र के बेतियाहाता मोहल्ले से संचालित किया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए लगभग 50 लाख रुपए मूल्य के ब्रांडेड कंपनियों के ढक्कन और बारकोड वाले स्टिकर बरामद किए हैं। वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता भी मिली है। ये ट्रांसपोर्ट के मार्फत ये लोग मनाते हैं, पूरी ट्रांसपोर्ट की देख रहे हैं ना, ये पैकेज सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए आबकारी आयुक्त गोरखपुर मंडल आर के सिन्हा ने बताया। सूचना काफी 2-3 दिनों से मिल रही थी ये कि नकली ढक्कन और रैपर और बारकोड लगाकर डुप्लीकेट बनाकर कुछ लोगों के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत सप्लाई की जा रही है, जिस पर मुखबिर को सचेत किया गया और मुखबिर ने इस तरह की सूचना दी कि ये किसी के द्वारा डिमांड करने पर माल देता है,
तो आज एक मोटरसाइकिल से टीम लगाई गई, चूँकि शंकरी रास्ते थे तो मोटरसाइकिल टीम लगाने के बाद एक पकड़ा गया माल सहित, तो उसकी निशानदेही पर कि वो कहाँ स्टॉक बना के रखा है। उसके बाद दबिश दी गई, तो ये बेतिया हत्ता का शायद मोहल्ला है, तो यहाँ से काफ़ी मात्रा में बरामदगी हुई है। सर क्या चीज़ की बरामदगी हुई है और कैसे ये ढक्कन है, रैपर है, बार कोड है, अंग्रेजी शराब की भी ढक्कन है, देसी शराब की भी ढक्कन है। तो ये लोग जैसे कोई खाली पौआ होता है उसमें आधी शराब आधी भर के इस तरह से वो तैयार करके वो देते हैं और उसके बीच रख के वो अपना बेचते हैं, जिसकी जांच कराई जा रही है अभी। इसकी जांच तो कितनी लागत होगी जो माल पकड़े जो अगर ये माल तैयार हो जाता और ये माल अगर पैक्ड हो जाती तो 40-50 की है वो। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई? हाँ, गिरफ्तारी हुई है। एक आदमी जो मेन है वो गिरफ्तार हुआ, बबलू खैरवार। औद्योगिक क्षेत्र गिडा स्थित निर्माणाधीन RTO ऑफिस का निरीक्षण जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द कार्य संपन्न कर निर्माणाधीन भवन संबंधित विभाग को सौंपने का निर्देश दिया गया। इस दौरान RTO, निर्माण एजेंसी, PWD आदि के कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताते हुए नवागत SP ट्रैफिक ने कहा कि शासन के दिशा निर्देश के अनुसार काम करना उनकी प्राथमिकता होगी। इसके अलावा सबकी बातें सुनकर ही किसी समस्या का समाधान किया जाएगा। साथ ही अनलॉक 2 के तहत जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों का कड़ाई के साथ पालन कराया जाएगा। श्रीवंत संवाददाता से बात करते हुए नवागत SP ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने बताया। बांदा में चंदौली, मिर्जापुर, महाराजगंज, 34 बटालियन PSC बनारस, इन जगहों पे एडिशनल SP के पद पे मैं तैनात रहा। जनता को स्मूथ ट्रैफिक व्यवस्था मिले इसके लिए ही हम लोग लगाए गए हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि नगरवासियों को, जनपदवासियों को जाम की समस्या से निजात दिलाया जाए, अपने गंतव्य पे सुचारू रूप से समय से पहुंच सके, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। और हम देख रहे हैं जिस तरह से भी इसमें सुधार किया जा सकता है, हम सुधार करने का अपनी टीम के साथ पूरा प्रयास करेंगे। इन निर्देशों को हम लोग व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार करा रहे हैं। वाहन चालकों को इसके बारे में बताया जा रहा है, प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स के नियम हैं, इनका अनुपालन 100% सुनिश्चित कराया जाएगा। देश के कई राज्यों में टिड्डी दल ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सिरदर्द बने टिड्डियों का दल अम्बेडकर नगर और संत कबीर नगर होते हुए गोरखपुर पहुँच गया है। टिड्डी दल की वजह से किसान काफ़ी परेशान हैं और रात दिन खेतों में पहरे दे रहे हैं। टिड्डियों के दल को भगाने के लिए किसान तालियां पीटने के साथ आवाज़ें भी निकाल रहे हैं, जिससे किसानों की फसलें बच सके और टिड्डियां भाग जाएं। वहीं जिला प्रशासन भी लगातार किसानों के संपर्क में है, जिससे समय रहते टिड्डियों को भगाने में किसानों की मदद भी की जा सके। इधर आओ यार, अंदर आइए भैया, अंदर आइए। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए SDM सदर गौरव सिंह सुगरवाल ने बताया। देखिए, अब जैसे कि टिड्डियों की सूचना हमें 4-5 दिन पहले मिली थी, जब अन्य जनपद से थी चेतावनी आई थी कि टिड्डियां प्रहार कर सकती हैं, तो यहाँ पे हमने फिर अपने खास तौर पे कैंपियरगंज से और इस तरफ से आने वाली जो, उसके लिए फिर हमने टीम भेजी थी। विशेष तौर पर हमारी तहसील में तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव इनका नहीं है और ना ही अभी तक कोई ऐसे नुकसान की कहीं से हमें खबर मिली है। फिर भी हमने सतर्कता के तौर पर लगा रखा है, नए तहसीलदार हमारे पिपराइज के सुमित हैं, उनको इसके लिए लगा रखा है
कोई इस तरीके की सूचना आती है तो तुरंत बताएं और अपनी टीम के द्वारा ये निगरानी बढ़ते रहें। पर अब लेकिन तहसील हमारे तहसील सदर में अभी इस तरह की कोई सूचना नहीं आई जो बहुत मेजर कोई लॉस हो। कई जगह से बाईपास कर गई हैं, कई जगह से वो उन्होंने रूट डाइवर्जन हो गया है, लेकिन अभी हमारे तहसील सदर में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई। नगर निगम व जीडीए के द्वारा कोतवाली थाना क्षेत्र के मेवातीपुर में अवैध निर्माण की सूचना मिलने पर मौके पर जाकर संबंधित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर अवैध निर्माण को तत्काल रूप से ध्वस्त करने का कार्य किया गया। इस दौरान सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम के इंजीनियर, जीडीए के अधिकारी, ईटीएफ टीम, पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। साहब आप मत कुछ बोलिए, कुछ मत बोलिए। वीडियो ले रहे हैं, फोटो ले लीजिए, फोटो लीजिए दो चार, वीडियो ले रहे हैं आप, फोटो लीजिए। देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो देख लीजिए, अभी जेल में चले जाएंगे। अरे आराम से कर देंगे, आराम से, आराम से। फोटो ले लीजिए दो चार, और ले लीजिए। नहीं नहीं वो ना जाएगी। अरे तोड़ो, श्रीवंत संवाददाता से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने बताया। ये मेवातीपुर एक जगह है आईडीएच के पीछे, वहाँ पे सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त हुई, जो जीडीए के नक्शे के इतर जिसे नक्शे से भिन्न उन्होंने निर्माण कर रखा था। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता था। क्षेत्रीय नागरों की शिकायत एवं जीडीए के द्वारा जो जाँच की गई उसमें अवैध अतिक्रमण पाया गया। उसी के तहत जीडीए की टीम, नगर निगम की टीम, पुलिस प्रशासन को लेकर के उस रास्ते को खुलवाया गया, उनकी बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कराया गया और साइड पे पब्लिक की जन सामान्य की सुविधा के लिए सतपुड़ों को ध्वस्त करा दिया गया। हाँ, जहाँ भी ये शिकायत मिलती है निरंतर हम इस तरह की कार्रवाई करते हैं, क्योंकि बीच में कोविड 19 की वजह से थोड़ा गतिरोध था, लेकिन अब इसलिए बहुत सामान्य है।
तो हम जहाँ भी ये शिकायत होंगी अतिक्रमण की मुक्ति के लिए उसको कार्रवाई करते रहेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह द्वारा विकास क्षेत्र सहजनवा के सिविलियन विद्यालय सहजनवा सेकंड, डोमहर, तिनुहारी फर्स्ट, भीटी आदि प्राथमिक विद्यालयों में लॉकडाउन व ग्रीष्म अवकाश के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2015 के प्रदत्त निर्देशों के क्रम में खाद्यान्न एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण सोशल डिस्टेंसिंग के तहत किया गया। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो, तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ऑल आउट सत्व, मच्छरों से सुरक्षा प्राकृतिक तत्वों की खुशबू के साथ। टफ होना अच्छा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमितों की संख्या को देखते हुए सभी सरकारी संस्थानों पर आम जनमानस में कोरोना वायरस से बचने व आम लोगों में जागरूकता लाने के लिए सभी जगहों पर साउंड सिस्टम के द्वारा लगातार लोगों से अपील करने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में जिला चिकित्सालय की ओपीडी और इमरजेंसी पर साउंड सिस्टम लगाकर उसके द्वारा हॉस्पिटल में आने जाने वाले मरीजों और तीमारदारों को कोरोना वायरस से बचने से संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं और अपील भी की जा रही है कि मास्क लगाकर व सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का जरूर पालन करें। खांसने, छींकने अथवा संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक संपर्क, संक्रमित वस्तुओं के छूने या भीड़ भाड़ में रहने से कोरोना का संक्रमण प्रसारित हो सकता है। परेशानी, गले में खराश आदि से पीड़ित व्यक्ति संदिग्ध रोगी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति तत्काल चिकित्सक से सलाह लें। आने वाले स्थानों पर जाने से बचे। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने अथवा जिला चिकित्सालय गोरखपुर में आने वाले मरीजों को अनुरोध है कि कोरोना जन अभी खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी, गले में खराश आदि से पीड़ित व्यक्ति संदिग्ध रोगी हो सकता है। कम से कम 30 सेकंड तक धोए, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचे। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने अथवा सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर ए के श्रीवास्तव ने बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार के मंशा के अनुरूप जो है कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना जो है हमारे जिला अस्पताल में 2 स्थानों पर करी गई है। एक जो है इमरजेंसी में, जहाँ जैसे ही ओपीडी में घुसते हैं उसी वहाँ पर, और एक जो है हमारे ओपीडी वाले विंग में एक लगाया गया है। ये कोविड हेल्प डेस्क जो है आए हुए मरीजों को कोविड के बारे में जानकारियां देता है और इसी जानकारी के तहत हमने यहां पर दोनों जगह जो है पीए सिस्टम लगाया है, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम, जो लोगों को बताता है कि कैसे जो है कोरोना से कैसे बचें
और क्या क्या सावधानियां बरतें। साथ में इसका उद्देश्य ये भी है कि आने वाले जो भी हमारे पेशेंट हैं या उसके अटेंडेंट हैं या उनसे मिलने वाले हैं, उनको वो प्रॉपर गाइड करके बता सकें कि उनको किस वार्ड में और कहां पर जाना है। अनलॉक टू में कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश के दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मास्क सहित अन्य सुरक्षा उपकरणों के साथ ही प्रवेश दिया जाएगा। वहीं आने वाले लोगों के मोटरसाइकिल व अन्य संसाधनों के पार्किंग की व्यवस्था सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के प्रांगण में जिला प्रशासन द्वारा की गई है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों ने कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर ही अपनी गाड़ियों को बेतरतीब तरीके से खड़ा कर अपने कामों को निपटाने के लिए चल दिए। इन बेतरतीब खड़ी गाड़ियों से जाम की समस्या उत्पन्न होने लगी, जिस पर संबंधित चौकी प्रभारी व यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बेतरतीब खड़ी दर्जनों गाड़ियों का चलान कर उन्हें क्रेन के माध्यम से टांगकर यातायात विभाग की यार्ड में पहुंचा दिया। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच हुए लॉकडाउन की वजह से अधिकतर लोगों को अवसाद, खिन्नता और अशांति की समस्या से जूझना पड़ रहा है। ऐसी संकट की घड़ी में भी देश के कुछ जागरूक लोग ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से दुनिया को एक दूसरे के साथ जोड़कर भारतीय संस्कृति और सभ्यता के साथ लुप्त होते सांस्कृतिक विधाओं को जीवंत रखने में जुटे हुए हैं। गोरखपुर के वरिष्ठ रंगकर्मी मानवेंद्र त्रिपाठी ने यूपी सरकार की ओर से संचालित होने वाले तुलसी अयोध्या शोध संस्थान की ओर से ऑनलाइन रामलीला वर्कशॉप का आयोजन किया है। इस रामलीला में 25 कलाकारों के माध्यम से अब 9 देशों के 300 से अधिक प्रशिक्षणार्थी जुड़कर प्रशिक्षण ले रहे हैं। यूपी सरकार की ओर से संचालित होने वाली तुलसी अयोध्या शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर वाईपी सिंह के निर्देशन में गोरखपुर के वरिष्ठ रंगकर्मी मानवेंद्र त्रिपाठी ने इसकी पहल की है। गोरखपुर के रहने वाले मानवेंद्र के निर्देशन में ऑनलाइन रामलीला ट्रेनिंग वर्कशॉप वेबिनार शुरू किया गया है। तुलसी अयोध्या शोध संस्थान की ओर से संचालित हो रहे इस आयोजन में भाग लेने वाले प्रशिक्षुओं को संस्थान की ओर से ऑनलाइन रामलीला मास्टर आर्टिस्ट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा। खास बात यह है कि अब तक इससे 9 देशों के 300 से अधिक विदेशी प्रशिक्षणार्थी जुड़कर प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये दुनिया की पहली ऐसी ऑनलाइन रामलीला है जिसके माध्यम से भारतीय संस्कृति की इस विधा को दुनिया के अन्य देशों में भी पहुंचाया जा रहा है। तो वो गुस्सा क्रोध रस में भी अपने को परिवर्तित करती हैं सीता जी, लेकिन अधिकतर ज्यादातर करुण रस को ही प्ले करती हैं। टॉकिंग अबाउट सीता, इन मोस्ट ऑफ द सीक्वेंसेस ड्यूरिंग द वन लास्ट इन द एंटायर रामायण प्ले, Sita consistently is following Karun Ras. She is mostly sad. Except when she is reacting to Ravan and she is becoming angry, she is displaying Krodh Rasa, that is anger. But mostly it's Karun Rasa. मैं चाहूंगा कि दोनों कैरेक्टर सीता जी और हनुमान जी अपने डायलॉग्स के दो दो लाइन थोड़ा सा क्लोज होके अपने एक्सप्रेशन के साथ यहां पे परफॉर्म करेंगे। So now Sita and Hanuman will present two lines each of their dialogues and we will show it in Zoom so that you can observe their expressions and how they are performing the character. Hi. कौन है वहां जो अभी मेरे प्रभु की कथा मुझे सुना रहे थे, वो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते? कृपया करके मुझे दर्शन दो प्रभु, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। हनुमान जी, माते प्रभु का प्रेम आपके प्रेम से कहीं अधिक है और उसे कोई देख नहीं सकता। माते मीडिया कर्मियों से बात करते हुए रंगकर्मी मानवेंद्र द्विवेदी ने बताया, मैं
6-7 कंट्री जुड़े हुए हैं जो रामायण के सभी आयामों को सीख रहे हैं। इस पूरे प्रोग्राम को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और मॉरिशस, सुरीनाम, गुयाना, ट्रिनिडाड, इस तरह की बहुत सारी कंट्री हैं जो रामायण के सारे आयाम को सीखना चाहते हैं। वहाँ पे भी रामायण होता है, लोग करते हैं, लेकिन अभी 2 वर्ष पहले मैं फॉरेन दक्षिण अमेरिका गया था तो हम लोगों के परफॉर्मेंस को देख के वो बहुत खुश हुए थे। तो एक अभी इस कोरोना काल में जहाँ सारी चीज़ें ठहर गई हैं, रुक गई हैं, वहाँ एक बड़ा काम शुरुआत हुआ है, ऑनलाइन हम कर रहे हैं। चूँकि वीडियो परफॉर्मेंस भी होता है तो हम वीडियो को पहले शूट कर लेते हैं, उसके बाद उनको हम लिंक भेजते हैं, वो देखते हैं, फिर लाइव क्वेश्चन आर होता है, उसके साथ में हमारे एक्सपर्ट भी हम बैठते हैं और जो भी उनको समझ में नहीं आता उसको हम डिटेल बतलाते हैं। और कभी कभी थोड़ी भाषा की प्रॉब्लम होती है तो ट्रांसलेटर भी मैं बैठाता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के वहाँ पे हम बताते हैं। बहुत खुश हैं लोग इस सारी चीज़ों को सीख के। इसमें म्यूज़िक बताया जा रहा है, इसमें कॉस्ट्यूम, मेकअप, एक्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, सारी विधाओं का उन्हें पूरा पूरा नॉलेज दिया जा रहा है। ये 4 हफ्ते का पूरा कोर्स है और ये शाम को 7 बजे से 10:30 बजे तक 3 घंटे ये चलता है। बाल स्वर सेवा संस्थान एवं बाल स्वर समाचार पत्र के प्रकाशन के 25वें वर्ष में प्रवेश करने को लेकर बृहस्पतिवार को बैंक रोड स्थित एक स्थानीय होटल में संस्थान और समाचार पत्र से जुड़े लोगों ने बैठक की। बैठक के दौरान बाल स्वर सेवा संस्थान द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों पर चर्चा करते हुए बाल स्वर समाचार पत्र के माध्यम से स्थानीय बच्चों की प्रतिभा को निखारने का कार्य पिछले कई वर्षों से लगातार किया जा रहा है। संस्था द्वारा स्थानीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान स्थापित करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में सतीवंत संवाददाता से बात करते हुए संस्था के अध्यक्ष आचिंत्य लहड़ी व समाचार पत्र के संपादक मनोज श्रीवास्तव ने बताया, जब खाली हो जाते हैं उस वक्त उन लोग को बिजी रखने के लिए उन लोग को ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें समर कैंप रखा जाता है। इसमें पॉजिटिव ट्रेनिंग होती है बच्चों को नृत्य की, गाने की, मार्शल आर्ट की, ड्राइंग की, हैंडवर्क की, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। ये समर कैंप हम लोग का ही एक अनूठा पहल था जो सबसे पहले शहर में शुरू हुआ, आज भी अनवरत चला आ रहा है। 15 अगस्त को भी हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं जो वृहद रूप से होता है। इसमें इधर अमूमन जो है हम लोग समूह नृत्य प्रतियोगिता कर रहे हैं जिसमें देशभक्ति के गीतों पर ये समूह नृत्य प्रतियोगिता की जाती है। और इसके अलावा हम लोग साल भर में छोटे छोटे अन्य कार्यक्रम जो बच्चों पे ही फोकस्ड होते हैं जिसमें ड्राइंग कंपटीशन है, पेंटिंग कंपटीशन है, बच्चों के अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोग गोष्ठियाँ करते हैं, ये सारे कार्यक्रम हम लोग करते चले आ रहे हैं कि छोटे बच्चों पर बस्ते का बोझ कम किया जाए। इसी तरह हम सब ने उस समय ध्वनि प्रदूषण, दीपावली पे जो पटाखे हम लोग बजाते हैं उसके लिए रैलियाँ निकलवाईं, गोष्ठियाँ की, लोगों को जागरूक किया कि कम से कम पटाखे ना छोड़ के केवल लाइटिंग की जाए जिससे कि ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल किया जाए। बच्चों में बढ़ते आपराधिक प्रवृत्ति पर भी हम लोगों ने समय समय पर गोष्ठियाँ की, बच्चों के बीच जागरूकता की जिससे ये भावना खत्म हो। साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मेडिकल कॉलेज के जो प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ थे डॉक्टर मुकुल मिश्रा, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, इन लोगों के सहयोग से लगभग 25,000 से 30,000 बच्चों का हम लोगों ने नेत्र रोग और हृदय रोग परीक्षण कराया ताकि उनके बच्चों के प्रति, बच्चों के मन में स्वास्थ्य के प्रति जागृति हो। और समय समय पर बाल स्वर बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा का विकास करने के लिए उनके अंदर नृत्य प्रतिभा है, समान ज्ञान की बात है या वाद विवाद की बात है, इन जरियों से हम लोग लगातार बच्चों की प्रतिभा को विकसित करने का काम कर रहे हैं। गर्मियों के छुट्टियों के सदुपयोग के लिए हम लोग वर्ष 1998 से लगातार समर कैंप का आयोजन करते हैं। कभी कभी तो वो 3 विद्यालयों में एक साथ चलता है, कभी एक या दो। पिछले 3 वर्षों से हम लोग लखनऊ में भी इसका आयोजन कर रहे हैं। दिन भर में बस इतना ही, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।